अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने ट्राउज़र तैयार किया है जिसकी साइड में हमने डिज़ाइनिंग की है। इसकी कटिंग भी मैंने डिटेल्स आपको बताई है, ठीक है, और स्टिचिंग भी मैंने आपको बताई है कि स्टिचिंग हमने किस तरह करनी है। चलिए शुरू करते हैं। ट्राउज़र हमने किस तरह तैयार किया है, यह हमारे पास ट्राउज़र का कपड़ा है, ठीक है। ट्राउज़र की हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे साइड में, ठीक है। कटिंग भी हम उसी हिसाब से करेंगे जितनी हमारी डिज़ाइनिंग होगी, जिस तरह की हमारी डिज़ाइनिंग होगी। मैंने कपड़ा सेट कर लिया, ठीक है। अब इसका ऊपर से हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमारे इलास्टिक के लिए होता है, जो ऊपर इलास्टिक लगाते हैं ट्राउजर में, ठीक है। और यहाँ पे 1 इंच का गैप छोड़ के हम इसे निशान लगा लेंगे सारा। अब सबसे पहले हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। 36 इंच हमारी लंबाई तैयार है, यहाँ मैंने निशान से नापा इसे, ठीक है। 36 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद 3 इंच पे एक और निशान लगाना है। 39 इंच पे मैं इसे निशान लगा लूँगा। इस निशान को सीधा कर लेंगे दोनों को। अब देखें, मैं स्मॉल साइज बना रहा हूँ। स्मॉल साइज में हम उसका जो ऊपर से रखते हैं फ्रंट का ट्राउजर के गेप 11 इंच पे रखते हैं, ठीक है। लेकिन हमने 11 इंच पे नहीं रखना, इसका 2 इंच कम रखना हमने, ठीक। इसकी हमारी साइड में डिजाइनिंग आएगी, ठीक है। 11 की जगह मैं इसे 9 इंच पे निशान लगाऊंगा। ये आ गया हमारा 9 इंच पे, ठीक है। लेकिन इसका हमने सेंटर करना है, जैसे कि यहाँ से मैंने इसके 11 इंच पे निशान लगा दिया, तो यहाँ से मैंने इसके सेंटर करना है। सेंटर हमारा क्या बनेगा, अब जैसे कि मैंने 2 इंच यहाँ पे निकाल दिया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 5.5 इंच पे जो है ना सेंटर बनेगा, यहाँ से अगर मैं इसे नापूँ तो, जो अपनी डिज़ाइनिंग का मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर का भी निशान लगा दिया है यहाँ पे। अब इसका यहाँ से मैं आसन का निशान लगाऊंगा 12 इंच पे, ठीक है। तो ये हमारा कितना 9 इंच पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी इसी तरह हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस निशान से हम इसे 2.5 इंच आगे निशान लगा देंगे, इस तरह आ जाएगा हमारा निशान, ठीक है। अब देखें, ये जो हमारा 9 इंच निशान लगा हुआ है, इसका हम यहाँ पे हाफ करके 4.5 इंच पे यहाँ पे सेंटर करेंगे इसका। या हमारा 1 मिनट, नहीं सॉरी, ये 3.5 इंच है, ठीक है। यहाँ पे 3.5 इंच पे मैं इसका निशान लगा लूंगा। इसे सीधा कर लेंगे निशान को। अब इस निशान से हमने इसका 5 का निशान लगाना है। अब इसे हमें 8 इंच का 5 रखना है, तो इस निशान से मैं इसे यहाँ पे लगा लूंगा 4 इंच पे निशान। इस निशान से यहाँ 4 इंच पे लग गया हमारा निशान, ठीक है। तो इस साइड पे हमारा आ जाएगा ये 2 इंच पे, ये मतलब 6 इंच पे, इस साइड पे 2 इंच आएगा, क्योंकि 2 इंच की हमारी डिजाइनिंग होगी। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसे यहाँ से हम नापेंगे ऊपर वाले निशान से, ठीक है। 14 इंच पे हम इसे निशान लगा लेते हैं। और यहाँ से जैसे कि यहाँ से मैंने इसे 4 इंच पे निशान लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे 5 इंच पे निशान लगा लेता हूँ। ये हो गया हमारा 5 इंच पे। और इस निशान से इस साइड पे मैं इसे 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगा, क्योंकि 2 इंच का हमारे डिजाइनिंग का होगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे 2 इंच का जब कम रखा है ना, तो यहाँ पे मैंने इसका गैप रखना है, अपना हिसाब जो रखना है 2 इंच का, हिप्स वाली जगह पे, जैसे कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये मैंने 2 इंच का गैप रखा हुआ है, तो इसी हिसाब से मैं इसका यहाँ पे निशान लगाऊंगा। ये आ गया हमारा, और यहाँ से इसे इस तरह सीधा कर लेंगे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे देखें, अभी हमारा जो है ना 3 इंच का गैप रखा, मतलब अलग से एक गैप रखा हुआ हमने, तो 2.5 इंच का हमारा तैयार होगा, क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ से मुड़ जाएगा। तो इसका हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान नापेंगे, हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आएगा 6.25, और 2 और लगा लें 8.25 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम सेंटर करेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा लेते, इस निशान को बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, तो 8.25 इंच आएगा हमारा। तो यहाँ से हमने 4 इंच एक सूच जो है ना छोड़ना है, यहाँ पे इस साइड पर निशान लगाना है, और इस साइड पे भी इसी तरह हमने निशान लगाना है।
2 इंच एक सूद पे, 2 इंच का हमारा साइड का छुटा हुआ है, इस निशान को इस तरह मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। अब हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। इसी कपड़े को हम आगे की साइड खींच लेंगे। फ्रंट को इसके ऊपर सेट करेंगे, इस तरह सेट करेंगे हमारा कपड़ा जाया ना हो। ठीक है, नीचे वाला साइड मेरा ऊपर आ गया इस साइड पे। यहां से हम इसे बराबर कटिंग करेंगे। यहां पे हम इसका 1 इंच का गैप छोड़ के कटिंग करेंगे। आ गया हमारा 1 इंच का गैप। ठीक है, जो हमने ये निशान पे कटिंग किया है ना इसका, ये यहां पे हमारा आधा इंच जो है ना यहां से ऊपर आ जाएगा, तो हमारा पांचा पूरा हो जाएगा। यहां पे हमारा थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ये हमारे ट्राउजर की कटिंग हो गई। अब इसकी साइड की हमने डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग के लिए मैं कपड़ा निकाल लेता हूँ। अब इसकी हमारी ट्राउजर की लंबाई टोटल कितनी आ रही है, या ऊपर से हम नापेंगे इसका दबाव का भी रख के। ठीक है, ये हमारी 42 इंच आ रही है। ठीक है, तो 42 की जगह हमें इसका तकरीबन चाहिए 6 से 7 इंच बड़ा चाहिए कपड़ा। ठीक है, 42 इंच आ रही है। अगर अब 50 इंच चले निकाल लेते हैं हम, 50 इंच की हमारी लंबाई होनी चाहिए कपड़े की। अब ये देखा हमारा चौड़ा कपड़ा बचा है साइड में से। अब हमें 4 इंच की डिजाइनिंग तैयार करनी है एक साइड की, तो हमने इसका 8 इंच का दोनों साइड का लेना है। ठीक है, तो 8 इंच का हम इसका नहीं लेंगे, तकरीबन हम इसका यहां से भी 4 इंच बढ़ता हुआ लेंगे। ठीक है, 8 की जगह हम इसका 12 इंच का कपड़ा लेंगे। ये हमारा तकरीबन 13 इंच आ रहा है, हम पूरा ही कपड़ा ले लेते हैं, बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहां से मैं इसके 13 इंच पे कटिंग कर लेता हूँ। और 50 इंच में इसकी लंबाई नहीं ले लूंगा। इससे हम पेंटेक्स देंगे अपने। ठीक है, मशीन पे मैं आपको पेंटेक्स डाल के दिखाता हूँ, इस तरह इसमें हमें किस तरह के पेंटेक्स देने हैं। अब देखिए, यहाँ से हम इसे मोड़ लेंगे थोड़ा सा इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे इसे पेंटेक्स दे देंगे। उसके बाद हमने 1.5 इंच के गैप से दूसरा जो है ना निशान लगाना है, सिलाई लगानी है। ठीक है, 1.5 इंच। पूरे कपड़े पे हम 1.5-1.5 इंच के गैप से सारे पेंटेक्स डाल लेंगे। ये मैंने पूरे कपड़े पे पेंटेक्स दे दिए इसी तरह 1.5-1.5 इंच के गैप से। ठीक है, इसे हमने बॉक्स बनाना है। यहाँ पे हम इसे मोड़ेंगे इस साइड पे। अब ये जो हमारे पेंटेक्स की लाइन आ रही है, तो ये लाइन इस तरह टकरानी चाहिए। ये देखें, यहाँ से इस तरह आनी चाहिए, इस तरह नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारी यहाँ पे पेंटेक्स आ रहा है और ऊपर वाली लाइन हमारी यहाँ पे आ रही है, तो ये बॉक्स नहीं बनेंगे, ये आड़े हो जाए, बिल्कुल टेढ़े हो जाएंगे आपके बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स इसमें बनेंगे इस तरह से। ठीक है, ये सिलाई आपकी इस तरह सीधी आनी चाहिए। इस तरह हम इसे रखें, आप इस सिलाई लगा लेंगे, फिर उसी तरह 1.5 इंच के गैप से हमने यहाँ पे भी निशान सिलाई लगानी है।
ये देखें तो ये इस तरह बिल्कुल चकोर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इस तरह ये स्लाइस स्लाइस जिस तरह मैंने आपको बताई है, ये इसी तरह आएगी, तो इसी तरह चकोर बॉक्स बनेंगे हमारे। अब पूरे कपड़े पे इसी तरह हम पेंटेक्स दे देंगे। मैंने पेंटेक्स दे दिए इसके, ठीक है, पूरे कपड़े पे। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली। ये देखें तकरीबन 5 इंच हमारी जो है ना, 5 इंच से थोड़ी सी चौड़ी पट्टी है, 5 इंच लगा लें हमारी पट्टी है, ठीक है। और ट्राउज़र के हिसाब से लंबाई जो हमने इसकी नापी थी उसी हिसाब से इसकी लंबाई आ रही है। अब इसे हमने ट्राउज़र में लगाना है पट्टियों को। ये फ्रंट एक हम ट्राउज़र का फ्रंट वाला हिस्सा ले लेते हैं और एक बैक वाला ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम फ्रंट के साथ इसे जोड़ेंगे पट्टी को। यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का गैप छोड़ के। ये देखिए मैंने पट्टी को इसके फ्रंट के जो है ना पैनल के साथ जोड़ दिया ट्राउज़र का। अब इससे बैक के इसके साथ जोड़ेंगे। ये हमारा बैक का हिस्सा है, ठीक है। इसे हम यहाँ पे इस तरह रख के यहाँ पे भी जोड़ देंगे, सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पट्टी जोड़ दी बीच में, ठीक है, बैक बैक के साथ भी और फ्रंट के साथ भी। अब देखें ये इस तरह आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम ट्राउजर को नॉर्मल जो है ना स्टिच कर लेंगे, जिस तरह स्टिच होता है ट्राउजर। अब इसे नीचे से हम इसे 1/2 इंच जिस तरह मोड़ के इसे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसे इस तरह मोड़, इस तरह डबल करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। फिर इसकी आसन की सिलाई एक साथ पूरी बैक फ्रंट से लग जाएगी, ठीक है। ऊपर फिर इसकी इलास्टिक लग जाएगा। पहले भी मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ किस तरह लगता है ये।